कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रैली में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। रैली में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने एमएसपी पर आवाज उठाई है और उन्हें लाठियां मिली है। सवाल सिर्फ एक फसल पर एमएसपी का नहीं है, सरकार रेट घोषित करती है लेकिन उस पर खरीद नहीं करती। एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। आने वाले समय में इस कानून के लिए आंदोलन होंगे। देश में कलम कैमरे पर बंदूक का पहरा है। वहीं उन्होंने कहा कि चढ़ोनी की गलती सिर्फ इतनी थी कि एमएसपी मांगी। हरियाणा सरकार किसानों को जल्द रिहा करे। कोई भी किसानों के आंदोलन को लाठियों से नहीं दबा सकता। एक किसान पर लाठी पड़ेगी तो पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। जो भी यहां कमेटी फैसला लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उनका साथ देगा। वहीं इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि सूरजमुखी पर एमएसपी मांग रहे गुरनाम चढ़ोनी और उनके समर्थक किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये लड़ाई सूरजमुखी और कमल के फूल की है।